हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 11th में आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। छोटी ही क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। इस क्लास में क्या है कि इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ाया गया है, मतलब एक एक स्टेप के बारे में आपको डीप में पढ़ाया गया है। इसमें कितने प्रकार की साइकिल चलती है, कौन कौन से अभिक्रियाएं होती हैं, किस किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। दो तरीके की प्रोसेसेस मेनली होती हैं इसमें बेसिकली। एक तो लाइट रिएक्शन होती है और दूसरा होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, और डार्क रिएक्शन का मतलब ग्लूकोज के बनने वाली प्रोसेस, यानी कि जिसमें भोजन का निर्माण होता है लेकिन लाइट पर वो डिपेंडेंट नहीं होती है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम सीपोर पाथवे या हैच एंड स्लैक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज C4 पाथवे। C4 पाथवे को आप हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अकर्स इन प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, ठीक है। ज्यादा गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले प्लांट्स में इस तरीके का C4 साइकिल पाया जाता है। और हमने डिस्कस किया था कि C4 साइकिल जिन प्लांट्स में पाया जाता है उनकी पत्तियों में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, मतलब कि उनकी जो वैस्कुलर बंडल के आसपास बड़ी बड़ी स्पेशल लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बंडल शीट सेल्स कहते हैं। और ये लेयर्स जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये बहुत सारी लेयर्स को फॉर्म करती हैं जिसको हम गैसियस एक्सचेंज के लिए या लैक ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस उसमें होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज जो है उसमें। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज अ 4-carbon कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। बट C3 साइकिल इज यूज्ड एज द मेन बायोसिंथेटिक फेज। इसमें मीजोफिल सेल्स अकर इन द C4 साइकिल एंड बंडल शीट सेल्स अकर इन द C3 साइकिल। इसके बारे में जब इसको हम कंपेयर करेंगे, इसके C3 और C4 के बीच में अंतर पढ़ेंगे, तो इसको एक ही जगह पे एक ही सारणी में जब हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको क्या क्या अंतर इन दोनों में, ठीक है। हैच एंड स्लैक पाथवे ये जो है इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। C4 प्लांट्स कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, शो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास एंड लैक फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन की कैटेगरी में आता है तो इसमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होता। C4 प्लांट्स के वैस्कुलर बंडल्स के चारों ओर बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बंडल शीट सेल्स कहते हैं। और इस टाइप की एनाटॉमी के क्या कहते हैं? क्रैंज एनाटॉमी। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में कि क्रैंज का मतलब क्या होता है। क्रैंज का मतलब होता है रीथ, WREATH, रीथ। और रीथ का मतलब होता है घेरना, यानी कि जो सेल्स का अरेंजमेंट है रीथ लाइक रीथ लाइक अरेंजमेंट है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और इसमें क्या होती है? इसमें ज्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट्स का आप अगर माइक्रोस्कोप के अंदर लैबोरेटरी में अगर आप कोशिश करें पहचानने की, तो जब आप सेक्शन काटेंगे तो क्रैंज एनाटॉमी को देख के और मीजोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख करके आप पहचान सकते हैं कि जो पत्ती आपको दी गई है वो C3 प्लांट की पत्ती है या C4 प्लांट की पत्ती है, ठीक है। तो इस पाथवे को क्या कहते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। अब क्वेश्चन इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें केल्विन साइकिल भी दिया जाएगा, C3, C4, हैच एंड स्लैक। तो आप उसमें किस पर निशान लगाएंगे? हैच और स्लैक साइकिल पे उसमें आपको निशान लगाना है। तो ये जो पाथवे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इसको हम कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। क्यों? क्योंकि हैच एंड स्लैक ने इसको डिस्कवर किया था,
ये भी एक तरीके की कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो एक तीन कार्बन मॉलिक्यूल का फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी वो और मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये फिक्सेशन करता है किसके द्वारा, पीईपी कार्बोक्सिलेज या पीईपी केज नामक एंजाइम के द्वारा ये आपका होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है आपकी सेल वॉल। अब हम ये एक अगर एक सेल की संरचना को देख रहे हैं, बाहर वाली सेल वॉल है, अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है ये प्रोसेस हो रही है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मीजोफिल सेल्स में यहाँ पे आ गई HCO3, यहाँ पे क्या हो रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये PEP, ये क्या है आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP, इसका होता है फिक्सेशन, क्या हुआ इसका हो रहा है यहाँ पे फिक्सेशन, क्या हो रहा है फिक्सेशन हो रहा है, और फिक्सेशन होने के बाद सी फोर एसिड निकल रहा है प्लाज्मा डेस्मेटा में, ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस तरीके से, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद फिर केल्विन साइकिल लगेगी इसमें और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रीजेनरेशन होगा और दोबारा से ये कैसी प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो आपका फिक्सेशन होता है वो पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा होता है, यानी फर्स्ट प्रोसेस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो पीईपी केज नाम के एंजाइम के द्वारा होता है। इसमें मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को, आप रूबिस्को नाम से लर्न कर सकते हैं, रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, और सी फोर एसिड जो है वो कहाँ बनता है, मीजोफिल सेल्स में, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ओ डबल ए जो है वो मीजोफिल सेल्स में बनता है। इसके बाद मीजोफिल सेल्स में कुछ और कौन कौन से फोर कार्बन कंपाउंड्स वाले, जैसे कि मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ये सारे के सारे कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ये आपका ट्रांसफर होते हैं बंडल शीथ सेल्स में, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बंडल शीथ सेल में, जो आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये ऊपर वाली मीजोफिल सेल है और नीचे वाली क्या है बंडल शीथ सेल है, तो बंडल शीथ सेल में ये ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसका, और बंडल शीथ सेल में ये जो C4 एसिड्स हैं, C4 एसिड्स का इसमें आप नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे C4 एसिड लिखा हुआ है, तो C4 एसिड्स के कौन कौन से एसिड्स हैं, जैसे आपका मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो C4 एसिड्स का यहाँ पे क्या होता है, ये टूटते हैं, है ना, C4 एसिड्स जब टूटते हैं तो क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और C3 एसिड बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक तीन कार्बन वाला मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जो आपको यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के तहत ये CO2 बनता है और एक C3 एसिड, यानी तीन कार्बन मॉलिक्यूल वाला एसिड जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें यहाँ स्टेप पे हम इसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है, फिर से ट्रांसपोर्ट होगा इस C3 एसिड का, तो फिर ये जो C3 एसिड है ये वापस से कहाँ जा रहे हैं, मीजोफिल सेल्स में, ये वापस से मीजोफिल सेल्स में लौट के चले जाते हैं और जहां पे फिर से ये पीईपी के अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं, ना देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस आपको दिखाई पड़ रही है, इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम के द्वारा, C4 एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट किया गया, वहां पे C4 एसिड जो है वो टूट गया, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हुई, उसके बाद एक CO2 बना और एक तीन कार्बन अणुओं वाला मॉलिक्यूल बना जो C3 एसिड था, वापस से ट्रांसपोर्ट हुआ आपका मीजोफिल सेल्स में और वहां पे C3 एसिड जो था वो वापस से पीईपी के अगेन कन्वर्ट हो गया और इस तरह से साइकिल जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो बंडल शीट सेल से रिलीज होने वाली जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड या ये C3 एसिड, ये फिर कहां पे जाएगी, ये फिर से केल्विन साइकिल में एंटर कर जाती है ना, जो कि सभी प्लांट्स में केल्विन साइकिल इज अ कॉमन पाथवे, केल्विन साइकिल जो है वो सभी प्लांट्स में कॉमन पाथवे है, उसमें एंटर कर जाती है जहां पे फिर से बंडल शीट सेल्स आर यूबिस्को एंजाइम से रिच होता है और P
पीपी केस एंजाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें? केल्विन साइकिल में। तो बंडल शीट सेल्स रूबिस्को एंजाइम से कैसी होती है? रिच होती है। पीपी केस एंजाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब केल्विन साइकिल जो कि कैसा पाथवे है? बेसिक पाथवे है, सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या बनता है, जिसमें C3 और C4 दोनों में कॉमन होता है, उसमें C3 और C4 दोनों में कॉमन होता है। तो केल्विन पाथवे सभी जितने भी C3 प्लांट्स हैं उनकी मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है, लेकिन C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल जो है वो कहाँ पाई जाती है? मेसोफिल सेल्स में नहीं पाई जाती है, वो पाई जाती है बंडल शीट सेल्स में। केवल बंडल शीट सेल्स में ही ये साइकिल, केल्विन साइकिल C4 प्लांट्स के बंडल शीट सेल्स में ही पाई जाती है। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए आपको बहुत आसान है, ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर से CO2 ले करके मेसोफिल सेल्स में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम के द्वारा फिक्सेशन किया जाता है, C4 एसिड बनता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट सेल, और यहाँ पे क्या होता है, C4 एसिड बनता है जिसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तीन प्रक्रियाएं आपको याद रखनी है, पहला तो फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल्स में, दूसरा आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये होता है आपका बंडल शीट सेल में, जिससे एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और उसका फिर फिक्सेशन केल्विन साइकिल के द्वारा किया जाता है, और जो C3 एसिड बनता है वो वापस से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ, मेसोफिल सेल्स में, और उसके बाद वहां पे रीजेनरेशन होता है, दोबारा से वही एंजाइम में अगेन कन्वर्ट ये हो जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसको डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैक ने, इसलिए इसका नाम जो है हैच एंड स्लैक पाथवे कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसको साइकिल को आपको बनाना आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और ये कंपटीशन के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट PEP क्या है, एक तीन कार्बन मॉलिक्यूल वाला एंजाइम है, PEP कार्बोक्सिलेज फिक्सेस, क्या करती है पीईपी केस, जिसको आप पीईपी कार्बोक्सिलेज कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेसोफिल सेल्स में आती है उसको फिक्स करने का काम करता है, और उसके बाद क्या बनता है, इट फॉर्म्स द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA एंड देन अदर 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे जो ये C4 एसिड है इनके नाम आपको लर्न कर लेने हैं, ये आपका मैलिक एसिड हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, और एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दीज कंपाउंड्स आर ट्रांसपोर्टेड, अब ये प्रक्रिया हो रही है आपकी मेसोफिल सेल्स में, ऊपर वाली जिसमें पीईपी केस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट ये ट्रांसपोर्ट किया गया एसिड, ये सारे कहां ट्रांसपोर्ट किए गए, बंडल शीट सेल्स में। दीज कंपाउंड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल्स, और वहां पे क्या होता है, C4 एसिड्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म C3 एसिड एंड CO2, वापस से C4 एसिड जो है वो टूट गया डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया के तहत, और उसके बाद क्या हुआ, C3 एसिड में टूट गया और जो CO2 था वो रिलीज कर दिया गया, और ये CO2 रिलीज होता है ओनली इन द बंडल शीट सेल्स एंड एंटर्स द C3 साइकिल, जिसको आप केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। देन अगेन C3 एसिड सो फॉर्म्ड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड टू द मेसोफिल सेल्स एंड रीजेनरेटेड बैक इनटू पीईपी, यानी कि क्या हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गई। इसीलिए शुरू में कहा था कि हैच एंड स्लैक पाथवे जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी कि चक्रीय प्रक्रिया है, ये निरंतर चक्कर ऐसे चलता रहता है। अब इसको रूबिस्को RUBISCO इज फाउंड इन अबंडेंस इन द बंडल शीट सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है, और इसमें पीईपी केस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब आपने केल्विन साइकिल पढ़ी, आपने हैच एंड स्लैक पाथवे पढ़ लिया, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको
लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको याद होगा। एक दो बार अगर आप इस पाथवे को बनाएंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें क्या है कि C3 और C4 प्लांट्स में इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। फोटो रेस्पिरेशन को जब आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि C3 और C4 प्लांट्स में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस। फोटो रेस्पिरेशन के कारण ही आप C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस कर पाते हैं, है ना। फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH। आप सबको पता है कि लाइट रिएक्शन में जो प्रकाश अभिक्रिया है उसमें ATP और NADPH का क्या होता है, प्रोडक्शन फॉर्मेशन होता है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH, बट देर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता ATP का, लेकिन उपयोग किया जाता है ATP, और उसमें क्या रिलीज होता है, CO2। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस करने के लिए इसको उत्तरदायी माना जाता है। फोटो रेस्पिरेशन उत्तरदायी है C3 और C4 प्लांट्स में जो अंतर है उसके लिए, C3 और C4 प्लांट्स में जो अंतर है उसके लिए ये फोटो रेस्पिरेशन जो है वो उत्तरदायी है। अब इसमें देखेंगे, डू C4 प्लांट्स हैव बेटर यील्ड देन C3 प्लांट्स, है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, पहले केल्विन पाथवे का जो फर्स्ट स्टेप था जिसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था, उसमें आप थोड़ा सा और चीजें ऐड करिए। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स फर्स्ट रिकॉल द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे में क्या हो रहा था, RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसमें क्या मिल रहा है आपको, 2x3 PGA। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, लर्न कर लेके आप इसको रूबिस्को बोल सकते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ रूबिस्को RuBisCO कैन बाइंड टू बोथ, वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। थ्रू इट हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, है ना। तो इस तरह से रूबिस्को जो है वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। रूबिस्को जो है वो वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। इस एंजाइम की क्या विशेषता है कि इसकी एक्टिव साइट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से दोनों से जुड़ सकती हैं, इसीलिए इसको रूबिस्को कहते हैं। रूबिस्को में O2 की तुलना में CO2 के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफिनिटी होती है, ये बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव होती है, ठीक है। CO2 और O2 में से कौन सा एंजाइम से बाइंड होगा ये इसके रिलेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इन C3 प्लांट्स सम ऑफ द O2 बाइंड्स टू रूबिस्को टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। रूबिस्को जो है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट में, है ना, देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ शुगर और ATP इस प्रोसेस में। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ATP का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। दिस मैकेनिज्म इन C3 प्लांट्स रिजल्ट्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ATP विद द रिलीज ऑफ O2। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो पाई ही नहीं जाती, सिंस दे हैव मैकेनिज्म टू इंक्रीज द CO2 concentration at enzyme site, जहां पे enzyme पाया जाता है वहां पे CO2 concentration जो है उसको बढ़ाने की mechanism C4 plants में होती है। तो C4 acids are broken in the bundle sheath cells to release CO2। अब C4 acids जो आपका malic acid था, aspartic acid था, वो बंडल शीट सेल्स में ब्रोकन डाउन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है और उसमें क्या रिलीज होता है, CO2, दस इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो इसके कारण क्या होता है, इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है। इसीलिए दिस इज द रीजन
व्हाई सी फोर प्लांट्स आर बेटर यील्डिंग एज कंपेयर टू सी थ्री प्लांट्स, ये क्वेश्चन आपका रिविजन में आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, है ना, इसको आप नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे क्वेश्चन क्या है। डू सी फोर प्लांट्स हैव बेटर यील्ड देन सी थ्री प्लांट्स। रूबिस्को एक अद्भुत एंजाइम जिसके बारे में आप बार बार पढ़ रहे हैं, रूबिस्को अ यूनिक एंजाइम, नाम उसको लर्न कर लेंगे, रूबिस्को ही लर्न कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, RUBISCO रूबिस्को और या राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, क्या नाम है इसका, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इतना लंबा नाम है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और इसमें एज द नेम सजेस्ट्स इट कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, ये दोनों के साथ बाइंड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। द बाइंडिंग टू द एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ये डिसाइड करती है कि किसके साथ बाइंड ये करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, इसमें आप C3 देखिए, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, इसमें क्या अंतर है उसके बारे में आप समझ सकते हैं, C3 में और C4 प्लांट्स में क्या अंतर है, तो कुछ क्वेश्चंस नोट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि C3 प्लांट्स में ये प्रेजेंट है या C4 प्लांट्स में प्रेजेंट है। एक तो पहले सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, केल्विन साइकिल कौन से तरीके के प्लांट में, कौन से तरीके की कोशिका में पाई जाती है, मीजोफिल सेल्स में पाई जाती है या बंडल शीट सेल्स में पाई जाती है या दोनों में पाई जाती है ना, तो C3 साइकिल केल्विन साइकिल जो है वो मीजोफिल सेल्स में पाई जाती है और C4 जो है वो कहाँ पाई जाती है, बंडल शीट में, ठीक है। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, वो किस में पाई जाती है, इसको सबको आपको नोट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से समझने के लिए फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इसको समझेंगे, थोड़ा सा तेजी से आगे चलेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उसके बारे में अगले सेशंस में चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल प्लांट फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो प्लांट के अंदर के फैक्टर्स और बाहर के फैक्टर्स दोनों पे डिपेंड करती है। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, नंबर साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कितनी संख्या में पत्तियां हैं, क्या साइज है उनका, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स कैसी है, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट्स जो हैं वो कितने हैं, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन क्या है एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल वो कितना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जिस पर डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश कितना अवेलेबल है, टेम्परेचर कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन क्या है एंड वाटर, वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की कैटेगरी में आएगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, फैक्टर विच इज डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज changed. This law of limiting factor was given by Blackman. ये आया question. अब पूछा जा सकता है multiple choice question में कि law of limiting factor photosynthesis के लिए किस वैज्ञानिक ने दिया था? उनका नाम है Blackman. 1905 में इन्होंने ये limiting factor का law दिया था. ये law क्या कहता है कि अगर एक chemical process जो है वो एक से ज़्यादा factor से affect होती है, its rate will be determined by factor which is nearest to its minimal value, उसकी जो निम्नतम value है,
फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड. उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसके बाद ये फैक्टर जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस प्रोसेस को जहां अगर क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाती है. और ये लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है वो किसने दिया? ब्लैकमैन ने. ठीक है, और क्या चीजें जरूरी होती हैं? लाइट, इंसिडेंट लाइट का CO2 फिक्सेशन रेट, बट एट हायर लाइट इंटेंसिटीज द रेट डज नॉट इंक्रीज फर्दर एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग. इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर लाइट बहुत ज्यादा, प्लेंटी ऑफ लाइट मौजूद है, तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी? क्या पूछ रहा है कि अगर लिमिट जो है लाइट की ज्यादा है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा? तो फिक्सेशन रेट जो है वो बढ़ता नहीं है. फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में जानना आपका जरूरी है. फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो प्लांट्स की यील्ड जानने में जरूरी है. अब फोटोसिंथेसिस अलग अलग कई फैक्टर्स से क्या होता है? प्रभावित होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, जिसमें पहला है आपका प्लांट फैक्टर्स. ये प्लांट फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इंटरनल होते हैं, इसमें लीव्स का नंबर, उसका साइज, उसकी एज, कैसा ओरिएंटेशन है, किस तरीके से वो उसमें अरेंज्ड है. ठीक है, मीजोफिल सेल्स की संख्या क्या है, उसमें क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरनल कंसंट्रेशन, जो पौधे के अंदर इंटरनल कंसंट्रेशन है वो कितनी है, और क्लोरोफिल कितने अमाउंट में उस पौधे के पास है, वो शामिल होता है. ठीक है, प्लांट्स या इंटरनल फैक्टर्स जो है वो आपका पौधों की ग्रोथ और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पर निर्भर करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? आपका सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और पानी, ये शामिल हैं. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ फोटोसिंथेसिस की दर को भी प्रभावित करते हैं. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंटरैक्ट करते हैं और साथ साथ फोटोसिंथेसिस या कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को प्रभावित करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें से कोई एक फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस के दर को प्रभावित या लिमिट करने का मुख्य कारण बनता है. और यही है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी कि पूरी प्रोसेस में कोई एक फैक्टर ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस की दर को लिमिट कर देता है या उसकी दर को प्रभावित कर देता है. तो जब किसी पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस के रेट का, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होता है सब ऑप्टिमल लेवल पे और अवेलेबल फैक्टर्स के द्वारा, तो जब कोई फैक्टर्स किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स 1905 में डिस्कवर किया गया. इसको नोट करेंगे, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो इसके प्रभाव में ये आता है. अब इसके अनुसार होता क्या है? जब कोई केमिकल प्रोसेस एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं तो इसके रेट का निर्धारण उस नियरेस्ट फैक्टर के द्वारा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? निम्नतम या मिनिमम वैल्यू होगी. और इस क्वांटिटी, अगर इस फैक्टर की क्वांटिटी चेंज कर दी जाए तो ये फैक्टर प्रोसेस को डायरेक्ट प्रभावित करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑप्टिमम लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की उपस्थिति हो, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कम हो, तो एक ग्रीन लीफ क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, क्योंकि इस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी स्टार्ट होगी जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा. यानी कि लाइट मिल रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, है ना. लाइट, जब हम लाइट को फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के रूप में लेते हैं, प्रकाश को जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के रूप में लेते हैं, तो हमें लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, इसके बीच में अंतर समझना पड़ेगा. यहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटीज पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट और इंसिडेंट लाइट के बीच लीनियर रिलेशनशिप होता है.
है ना. लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर विद एक्सेप्शन ऑफ शेड प्लांट्स और प्लांट्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट बिकॉज लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट बियॉन्ड अ पॉइंट. इफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड देन इट लीड्स टू डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. अगर इंसिडेंट लाइट इंक्रीज होती है तो फोटोसिंथेसिस जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल. अब CO2 कंसेंट्रेशन की बात करें. CO2 कंसेंट्रेशन क्या कहता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर. ये जो है ये मुख्य लिमिटिंग फैक्टर के रूप में सामने आया. मेजर लिमिटिंग फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड जो कैसा होता है, यूजली लो इन एटमोसफेयर 0.03 टू 0.04% तक. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होती है क्योंकि और भी बहुत सारी गैसेस उसमें प्रेजेंट होती हैं. तो कितनी होती है, 0.03 टू 0.04% के आसपास होती है. जब इसमें CO2 की कंसंट्रेशन में 0.05% तक अगर ग्रोथ हो जाए तो CO2 फिक्सेशन रेट जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर है तो फिर नुकसानदायक होती है. तो C3 प्लांट्स हैं और C4 प्लांट्स, इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिए क्या करते हैं, ये अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं. लो लाइट कंडीशन में, अगर लाइट लो है तो उस कंडीशन में C3 और C4 दोनों प्लांट्स हाई CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं. यानी कि अगर बहुत ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन तो भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो C3 और C4 प्लांट्स दोनों में फोटोसिंथेसिस की क्या बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है. अप टू 0.05% इंक्रीजेस रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, और अगर उससे ज्यादा हो तो क्या हो जाता है, डैमेजिंग इफेक्ट आ जाता है. दो बोथ C3 एंड C4 शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई लाइट इंटेंसिटीज accompanied by high carbon dioxide concentration. The saturation point for C3 is obtained at higher concentrations as compared to C4. Therefore, carbon dioxide concentration is more of a limiting factor for C3 plants. और इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर है C3 प्लांट्स के लिए. C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर के रूप में सामने आता है. इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन इज बेनिफिशियल फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स. जो आपका CO2 कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो वो किसके लिए फायदेमंद होता है, ग्रीन हाउस, जो आपके पौधा घर के जो फसलें होती हैं जैसे कि टोमेटोज हैं एंड बेल पेपर है, ये सब जो है इसके लिए फायदेमंद होती हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में आपने जाना, टेम्परेचर और वाटर, इन दो चीजों के बारे में और जानना है आपको. दो और पॉइंट्स हैं, डार्क रिएक्शंस आर मोर सेंसिटिव टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. डार्क रिएक्शन जो है उन वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए. अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो तो डार्क रिएक्शन जो है आप सबको पता है कि एंजाइम्स पे डिपेंडेंट होती है. डार्क रिएक्शन जो है उसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, वो एंजाइम्स पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होती है. C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड मोर टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड शो higher rate of photosynthesis as compared to C3 plants. Adaptations according to habitat also affect temperature optimum for photosynthesis. Tropical plants have higher temperature optimum compared to plants growing in temperate climates. जो light reaction भी आप सबको पता है कि temperature sensitive होती है, डार्क रिएक्शन भी टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल होती है, जो किस पे डिपेंडेंट होती है, एंजाइम्स पे. लेकिन उसमें लाइट रिएक्शन में क्या है, टेम्परेचर का प्रभाव जो है वो काफी कम होता है. C4
C4 प्लांट्स जो हैं वो हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं और फोटोसिंथेसिस की हाई रेट शो करते हैं, ठीक है, जबकि C3 प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो ही कम होता है। अलग अलग पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके अडॉप्टेड हैबिटेट पर डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो टेम्परेट प्लांट्स की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है आपका वाटर। वाटर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आप समझ लेंगे कि लाइट रिएक्शन को वाटर जो है वो एक रिएक्टेंट की तरह होता है। फैक्टर्स के रूप में वाटर यानी कि पानी का जो अफेक्ट है वो पूरे प्लांट पर पड़ता है, न कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर। केवल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर ही नहीं, पूरे पौधे पर इसका प्रभाव पड़ता है। वाटर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रोमेटा को बंद कर देता है, इसलिए CO2 की अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाती है। और वाटर स्ट्रेस से कभी कभी क्या होता है कि पत्तियां जो है मुरझा जाती हैं, विल्ट हो जाती है, और इससे लीफ का सरफेस, जिसको हम कहते हैं कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लीफ का जो सतही क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो कम हो जाता है, और उनकी उपापचय अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज स्ट्रोमेटा टू क्लोज एंड हेंस लेस CO2 इज अवेलेबल, यानी कि पानी डायरेक्ट अफेक्ट करता है पूरे पौधे पर। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द लीव्स टू विल्ट, पत्तियां उससे क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग देयर सरफेस एरिया एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो इस तरह से आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है ना। इसमें आपने जो मेन इंपॉर्टेंट जो है, एक तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने समझा था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद C3 C4 साइकिल इंपॉर्टेंट है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर ही है। अब इसमें आप एक एक लाइन को अगर पढ़ेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उनको आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। और जो वैज्ञानिकों के नाम है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में और किस ईयर में वो अर्ली एक्सपेरिमेंट किया गया उसको भी आपको नोट करना होगा। बच्चों आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स आपने कंप्लीट किया, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट की संरचना, उसको आपको डायग्राम सहित लेवलिंग सहित लर्न करना है। C3 C4 साइकिल में अंतर आपका, केल्विन साइकिल और हैच एंड स्लैक पाथवे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे अगर तैयार करेंगे तो आपको C3 केल्विन साइकिल और C4 हैच स्लैक साइकिल कहलाता है। C3 C4 प्लांट्स में क्या अंतर है वो आपसे पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, और भी बहुत कुछ। तो उसको अच्छे से मन लगा के पढ़ने की जरूरत है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस अगर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए क्या चाहिए होती है आपको, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे पाथवेज का डायग्राम बना बना के और आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।